सिर्फ एक नुक्ता आपके पास आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा कि अगर हम पिछले इस मुल्क की 10-12 साल की 15 साल की सियासत को जहन में रखें तो मेरा यह मानना है कि 2000 की दिहाई में उसके अवायल में जिन हालात से यह मुल्क गुजरा और फिर उन हालात में मखसूस हालात में कि जब इस वक्त इस मुल्क पर एक डिक्टेटर हुक्मरान था, इस मुल्क की लीगल फ्रेटर्निटी ने जो उसके खिलाफ मुहिम चलाई उसको रुख्सत करने में सबसे अहम किरदार अदा किया, तो उस मूवमेंट के बाद और फिर सबसिक्वेंटली जो ट्रीजन का केस चला जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, तो हमारी इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने एक चीज समझ ली और वो ये थी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन कर सामने आए, पुरानी सियासी जमातों ने उनकी हिमायत की और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पर बिठाया, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज ऑक्यूपाई हो गए, एक मरहला तय हो गया, तो आज हमारी एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऑक्यूपाई कर लिया जाए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सामने आ रही है, इनके नतीजे में ये कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं ये अपनी असल हालत में बरकरार नहीं रहेगा। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे किया जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा कि इस मुल्क के अंदर जो भी फैसले किए जाएंगे वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के मुताबिक होंगे। आज हमारे सामने जो सबसे अहम सवाल है वो ये भी है कि हम तो अपनी जिंदगी जिस तरह यहां पर तमाम अहबाब मौजूद हैं हम तो गुजार चुके, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को इन आजाद फिजाओं से महरूम करना चाहते हैं? उनके सामने हम इस तरह के पहाड़ खड़े कर जाएंगे अपनी नाअहली की वजह से, सियासी जमातों की कमजोरी की वजह से, कि वो इस मुल्क के अंदर एक आजाद माशरे के अंदर जो हमारा ख्वाब है वो सांसें ना ले सके? ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस बड़ी तादाद में यहां पर वकला मौजूद है, हम ये जो जिद्दोजहद जो इवेंचुअली रेजोल्यूशन सामने आनी है, आई एम होपफुल कि उस रेजोल्यूशन के अंदर हम वे फॉरवर्ड भी देंगे, उस वे फॉरवर्ड में प्रैक्टिकल स्टेप्स भी होंगे कि किस तरीके से हमने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ना सिर्फ अपोज करना है बल्कि वो लोग जो हमारी सफों के अंदर जिनको हम घुस बैठी है तसव्वुर करते हैं कि किस तरीके से अगर उन्होंने हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने हैं तो उनके सामने भी खड़ा होना है, और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को जो हमारे इस मुल्क की प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन को एड्रेस नहीं होने दे रही कि यह मुल्क चलाना किसका काम है, उसके सामने किस तरह खड़ा होना है, उसका भी वे फॉरवर्ड दिया जाएगा। मैं आप तमाम अहबाब का, उहदेदारान का जो यहां पर मौजूद है, सबका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं, और आप तमाम अहबाब जो यहां पर मौजूद हैं, इस बड़ी तादाद में मौजूद हैं, आपके जोश, आपके अजम और आपके वलवले और आपकी कमिटमेंट को सलाम पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोखर साहब। मैं मुल्तमिस हूँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच, अरशद महमूद जजुआ साहब वो स्टेज पे तशरीफ लेके आए। जनाब अरशद महमूद जजुआ साहब हमारे अगले स्पीकर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के प्रेसिडेंट जनाब मलिक जवाद खालिद साहब। मलिक जवाद खालिद साहब से गुजारिश है वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का आगाज करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। स्टेज पर बैठे हुए तमाम अमादीन और स्पेशली इस्लामाबाद बार कौंसिल के दोनों बड़े नाम काजी आदिल साहब हलीम अब्बासी साहब, मोहतरम
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इस्लामाबाद, मेरे दोस्त मेरे भाई रियासत अली आज़ाद साहब, जिस वक्त इसका आगाज़ किया गया, इन तीनों का नाम मुझे से लेना पड़ गया कि मेरा दोस्त जिसकी इस जगह पर खड़े होकर आज हम सारे आपके सामने मुखातिब हैं, उसका नाम नहीं लिया गया था। और सिर्फ़ एक उस शख्स के नाम लेने के लिए मैं नाम ले रहा हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट जनाब राजा शकील अब्बासी साहब।